एक बड़ी खबर रांची से, जहां कांग्रेस विधायक अनूप सिंह से आज पूछताछ होनी है। जहां आज अनूप सिंह से ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने अनूप सिंह को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। अनूप सिंह ने अपने ही पार्टी के 3 विधायकों पर एफआईआर कराया था। अरगोड़ा थाने में दर्ज कराए गए इस एफआईआर में 3 एमएलए पर सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया था और इस मामले की जांच पड़ताल ईडी करने में जुटी है। इसी कड़ी में ईडी आज कांग्रेस विधायक अनूप सिंह को पूछताछ के लिए बुला रही है। तो कांग्रेस विधायक से आज इस मामले में पूछताछ होगी। अनूप सिंह ने सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप अपनी ही पार्टी के 3 अन्य विधायकों पर लगाया था। इस मामले की जांच पड़ताल ईडी कर रही है और इसी कड़ी में पूछताछ के लिए ईडी ने अनूप सिंह को समन भेजकर बुलाया था। आज अनूप सिंह से पूछताछ होगी। अरगोड़ा थाने में सरकार गिराने का षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए अपनी ही पार्टी के 3 विधायकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया था अनूप सिंह ने। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह से ईडी आज पूछताछ करेगी। पूछताछ को लेकर ईडी ने समन भेजकर अनूप सिंह को बुलाया था। आपको बता दें कि अनूप सिंह ने अपनी ही पार्टी के 3 विधायकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया था। स्थानीय अरगोड़ा थाने में दर्ज कराए गए इस एफआईआर में अनूप सिंह ने शिकायत की थी कि 3 एमएलए उनकी ही पार्टी के सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। सरकार को अस्थिर करने को लेकर षड्यंत्र रचने का आरोप अनूप सिंह ने अपनी ही पार्टी के 3 अन्य विधायकों पर लगाया था। इससे संबंधित एफआईआर भी अरगोड़ा थाने में दर्ज कराया गया था। इसको लेकर जांच चल रही है और फिलहाल अनूप सिंह को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। आज ईडी कार्यालय जा सकते हैं अनूप सिंह। क्या जानकारी है? सहयोगी सूरज जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे लेते हैं। सूरज, अनूप सिंह को समन भेजा गया था ईडी की ओर से, पूछताछ के लिए बुलाया गया है, क्या अपडेट है इस मामले में? बिल्कुल दीपक, देखिए अनूप सिंह फिलहाल अभी बेरमो से विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। इन्हें 16 दिसंबर को ईडी के द्वारा समन जारी की गई थी और पूछताछ के लिए आज की तारीख ईडी ने निर्धारित की थी। और आज अनूप सिंह तकरीबन 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचेंगे और उनसे कई विषयों में यानी कई तरह के सवाल उनसे किए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने ही 3 विधायक जो कैश कांड में कोलकाता में फंसे थे, उनके विधायक जो 31 जुलाई को विधायक इरफान अंसारी की डिक्की से 49 लाख रुपया कोलकाता पुलिस ने बरामद की थी, उसमें 3 विधायक का नाम आया था, विल्सन कोंगारी, विधायक राजेश कच्छप और इरफान अंसारी। तीनों के गाड़ी से 49 लाख रुपए बरामद हुए थे और अनूप सिंह का आरोप था कि इन्होंने हमें भी कांटेक्ट किया था, सरकार गिराने की इनके तरफ से साजिश रची जा रही थी और रांची में 2-3 विधायकों को खरीदने की बातें आई थी। अनूप सिंह ने इन तमाम बातों को लेकर अपने ही विधायकों के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाना में 0 एफआईआर दर्ज कराई थी और इसी मामले को लेकर ईडी ने 16 तारीख को समन जारी की थी पूछताछ के लिए। अनूप सिंह को आज की तारीख निर्धारित करके बुलाया गया है। अभी फिलहाल जो खबरें आ रही है, अनूप सिंह 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचेंगे और उनके साथ ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। तो नजर बनाए रखें सूरज, फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद।